सर 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 कैसे हैं सर? सब बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया सर, मस्त एकदम। हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। मारी मैंने गोली कहाँ पे? गुड मॉर्निंग, कैसे हम सभी लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, बहुत बढ़िया और बिंदास तरीके से बहुत अच्छी सुबह की शुरुआत हो गई है। और हमारे चाचू महाराज को देखो, सुबह सुबह आके साइकिल घुमा रहे हैं अपनी, और सूरज देवता ने दे दिए अपने दर्शन। और टाइम को ज्यादा हुआ नहीं गाइस, जैसे आज 7:19, बहुत जल्दी उठ गया हूँ आज, क्योंकि मुझे निकलना है फिलहाल अभी नैनीताल के लिए। और ये देखिए, सूर्य भगवान ने दे दिए दर्शन अपने। तो चलिए गए, तैयार हो ही गए, तो फटाफट से पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं। और चाचू जल्दी आओ साइकिल लेकर के, पूजा करते एक बार। तो मुझे सही लग रही है अब इसकी, कि है ना, हैंडल घुमाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, जो भाई खुद ब खुद घुमा लेता है। चलो शाबाश। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी पूजा पाठ। हन्नी आ गई मेरी, हन्नी मेरे कुत्ते का बच्चा आ गया। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी पूजा पाठ। तो चलिए गाइस, पूजा पाठ समाप्त हुई, चलते हैं। चलो हन्नी, चलो चाचू। चाचू पहले पहुंच गए है ना। चलिए गाइस फाइनली अब चलते हैं। और गाइस ये ले लिया मैंने अपना हेलमेट, और लगा दिया इसमें सामने से गोप्रो, चलते हैं इसको लेके। आ गया आ गया। कैसा आवाज लगा रहा मेरे को ये? कर ली कैसे? करी जोर लगाया। चलो चलो फिर नाश्ता करेंगे फिर। अब तूने अपलोड कर दिया, अब डाउनलोड करेंगे। चाचू क्या है ये? क्या है ये? है क्या कहते हैं इसको, भूल गया मैं। हाँ कॉर्नफ्लेक्स, बताओ खा रहा हूँ नाम ही भूल गया। ये नाश्ता वास्ता हो गया, अब चलते हैं। और देखिए गाइस, कल मैंने स्कूटी धोई अपनी, चमकाई क्या मस्त लग रही एकदम। ओके चाचू बाय बाय। देखो मैंने हेलमेट लगा लिया ना, अब थोड़ा सा ये क्या हुआ? अरे दीदी आ गई, बब्बी आ गई। कौन है ये बब्बा? बाय बाय चलते हैं। प्रणाम करो। प्रणाम। चाचू ने जूते पहने आज, जीते रहो। सो चलिए गाइस, लेट्स गो टू नैनीताल। सो चलिए गाइस, फाइनली अब मेरी वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी दोनों अच्छी आने वाली है। उसका रीजन कि ये फोन है, इससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और गोप्रो से भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो गाइस, बहुत मजा आ रहा है सफर में। और गाइस मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में 130 करोड़ के तो पॉपुलेशन है, लेकिन मेरे को लगता है उससे ज्यादा तो हमारे देश में ई रिक्शा है। और वो देखिए हल्द्वानी में बहुत दिख रहे हैं आजकल ई रिक्शा, पता नहीं क्या हो गया, जा रहे हैं बस ऐसे खाली बेफालतू में, कोई सवारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। समझ नहीं आया कि लोगों ने ई रिक्शा खरीदे क्यों है, मतलब खाली घुमाने के खरीदे या सवारी को बैठाने के खरीदे। अब देखो सामने से एक ई रिक्शा और आ रहा है, देखते हैं भरा है खाली है। अब देखो ये खाली आ रहा है, सामने से एक ई रिक्शा और आ गया, देखो खाली है। समझ ही नहीं आ रहा कि इतने ई रिक्शा का करेंगे क्या। सो गाइस फाइनली ये पहुंच गया, मैं काट बताऊं। और गाइस तेल डलवाना है स्कूटी में, पेट्रोल बड़ा कम है, तो आगे से डलवाते हैं रानीबाग में ना इंडियन ऑयल, वहां से डलवाते हैं। ऑनलाइन भी कर देंगे वहां से पेमेंट, गूगल पे वगैरह जो भी होगा। ये हमारा रेलवे स्टेशन काठगोदाम, उत्तराखंड का लास्ट रेलवे स्टेशन। सो लीजिए भाई लोगों, जिस बात का डर था वही हुआ, स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया और बीच रास्ते में अटक गया मैं। अब ना पेट्रोल पंप यहाँ पर है ना वहाँ पर है, चलो इधर ही जाना पड़ेगा मुझे नीचे को, ऊपर तो है नहीं कोई पेट्रोल पंप, तो उसको वहीं से लुड़काते लुड़काते लेके जाते हैं सर। मुझे भरवा लेना चाहिए था पहले, खाली मैं ऐसे रह गया। चलो भाई जितने के लिए अच्छा है कि यहाँ पर ढलान है, चढ़ाई नहीं है। अगर चढ़ाई होती तो मेरी बैंड बज जाती एकदम बुरी तरीके से, तो ये ऐसी चल रही है अभी न्यूट्रल में। अच्छी बात है कि इधर ही पे पेट्रोल पंप है, बहुत दूर नहीं है, तो बस गया मैं। अगर बहुत ऊपर जा करके अगर तेल ख़त्म होता, मतलब जहाँ पे पेट्रोल पंप थोड़ा दूर है, तो ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे। चल चल धन ऐसे खींच खींच के लेके जाते हैं इसको ऐसे, चल चल। सो
सो चलिए गाइस डलवा लिया पेट्रोल और फोन गिर गया मेरे, स्क्रीन चटक गई साइड से, मतलब स्क्रीन नहीं चटकी, वो तो होता ना टेम्पर लगा हुआ वो चटक गया, तो वैसे भी नया लगाना ही था मुझे, चलो कोई बात नहीं। और पता नहीं क्या हुआ मुझे, मेरा गूगल पे नहीं चला यहाँ पे यार, वो तो अच्छा मम्मी जी का ATM पड़ा था मेरे पास में तो मैंने चला दिया। सो गाइस मैं अभी तक सोच रहा था कि पहाड़ों की तरफ मौसम कैसा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि मस्त वाली प्यारी प्यारी सी धूप निकली हुई है पहाड़ों में। और फिलहाल गाइस मुझे रास्ते में थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, मैंने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने आज, टोपी भी नहीं पहनी है, मैं ऐसे ही आ गया। तो लीजिए गाइस फाइनली एंट्री लेने वाला नैनीताल में, मात्र यहाँ से रहता है 2 किलोमीटर। और गाइस क्या स्कूटी भगाई मैंने स्पीड में, तो गाइस नैनीताल पहुँचने के बाद सबसे पहले तो थोड़ा धूप सेकनी है, उसके बाद हमें काम शुरू करना है। तो चलिए गाइस फाइनली चलते हैं अपनी सबसे पहले कैंटीन में, जो मुझे यहीं पर मिल जाएगी लेफ्ट मुड़ते ही। हाँ जी नहीं सॉरी, राइट मुड़ते सामने कैंटीन है, पुलिस वाले भाई साहब भी खड़े हैं यहाँ पर चेकिंग करने के लिए। तो गाइस ये है मेरी पहली कैंटीन, इस स्कूटी को यहीं साइड में लगाते हैं और चलते हैं इसके अंदर। हाँ यहाँ सही है, चलिए जी गोप्रो निकाल लिया हेलमेट से। फिलहाल ये हमारी पहली कैंटीन है, चलते हैं इसके अंदर, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइस हो गया यहाँ से काम पूरा, अब चलते हैं दूसरी कैंटीन में अपनी। सो गाइस फिलहाल मैं भी गोप्रो लगाने वाला नहीं हूँ, फिलहाल मैं ऐसे जाने वाला हूँ, गोप्रो जब वहाँ से निकलूँगा तो लगाऊंगा। तो चले गए फाइनली पहुंच गए केला खान, सो यहीं पर ही हमारी कैंटीन। और गाइस जो लोग मेरे व्लॉग रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही है कि मैं कहां कहां जाता हूं नैनीताल में, कि अपनी पहली वाली कैंटीन निपटाई, दूसरी वाली कैंटीन निपटाई, उसके बाद मंदिर गया, उसके बाद मन किया तो मोमोज खा लिए, वरना वापस घर को। लीजिए पहुँच गया मैं, यहीं साइड में लगाते हैं स्कूटी। इस हेलमेट में ना बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, बाल की हालत देखो आप कैसी हो गई मेरी। ठीक है फाइनली हो गया ऐसे काम पूरा, आप चलते हैं। और इस पर तो मैं कभी कन्फ्यूज़ हो गया था, मेरे सामने स्कूटी खड़ी थी सेम बिल्कुल, मेरे को लगा यहाँ कैसे आ गई मेरी स्कूटी, मैं तो यहाँ खड़ी करी थी। ओके सो गाइस फाइनली करते हैं यहाँ से वापसी। तो चलिए गाइस फाइनली पहुँच गए तल्लीताल में, अब दिखाते हैं आपको यहाँ के मॉल रोड। सो गाइस फाइनली ये है हमारी मॉल रोड, जो दिखने में बहुत सुंदर है, और वैसे तो सुंदर है ही नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सुंदर ना हो। और गाइस आप देख रहे हैं कि नैनीताल में भी जो है अब ई रिक्शा चलने लगे हैं, मेरे सामने से जा रहे ई रिक्शा, ये ठीक हो गया, मतलब इसमें एक बार में 5 लोग जा सकते हैं, और अगर वैसे आप रिक्शे में बैठेंगे तो 2 लोग जा सकते हैं, 3 लोग जा सकते हैं दब दब के वो भी, तो ई रिक्शा आने से थोड़ा सा बेनिफिट तो मिला है। तो चलिए गाइस ये मैं पहुंचा मल्लीताल, लगभग 2 किलोमीटर का फासला है तल्लीताल से मल्लीताल, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से राइट साइड ऊपर अपने निर्धारित स्थान में, जहाँ पर हमेशा मैं अपनी स्कूटी पार्क करता हूँ। भाई साहब भाई साहब भाई साहब चले गाइस, तो ये है मेरी पैक सीट जहाँ हमेशा मेरी स्कूटी पार्क होती है। ओके तो चलिए गाइस लगा दी पीछे स्कूटी पार्क में, अब चलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर सुनसानी से हुई है, क्योंकि अब रूल निकल गया कि शाम को 3 बजे के बाद ही जो है हमें मार्केट लगेगी, वरना पहले से यहाँ सुबह सुबह के टाइम भी भीड़ हो जाती थी, मार्केट लग जाती थी। सो चलिए पहुँच गया भूटिया मार्केट, तो गाइस पहुँच गया फाइनली मंदिर, चलते हैं अंदर मैया के दर्शन करके आते हैं। जय हनुमान। सो ये है मुख्य मंदिर, आज मैं एंट्री यहाँ से करूँगा, हमेशा मैं एंट्री पुणे से करता हूँ, आज यहाँ से करूँगा घंटी बजाते हुए। तो चलिए गए सभी मंदिर के दर्शन पूरे हुए, अब चलते हैं सामने थोड़ा झील के भी दर्शन कर ले, यहाँ से झील बहुत मस्त दिखाई दे सच में गाइस, क्या व्यू है गाइस देखिए, वाह मज़ा आ गया। ओम नमः शिवाय।
तो चलिए गाइस, दर्शन भी पूरे हो गए, माता रानी अपना आशीर्वाद हम बच्चों बनाए रखें, अब चलते हैं। सो भाई, अब लग रही है हल्की हल्की सी भूख, लेकिन समझ में नहीं आ रहा खाऊं क्या, तो ये खाता हूँ आलू रोल ना, पिछली बार जो खाया था वो सही रहता है, मोमोज वगैरह नहीं खाने। और गाइस, मौसम की बात तो मैं हमेशा करता हूँ आपसे नैनीताल आने के बाद, यहाँ पर गर्मियों में आई है, सर्दियों में आई है, मौसम आपको हमेशा मस्त मिलेगा। स्नोफॉल नहीं हुआ इस बार, वरना मैं प्लान में था कि अगर स्नोफॉल होगा तो पक्का आऊँगा मुक्तेश्वर या नैनीताल वगैरह, कहीं हुआ ही नहीं इस बार। अरे जी, पहुँच गए, अब लगाते हैं गोप्रो को और चलते हैं। सो चलिए गाइस, फाइनली करते हैं हल्द्वानी की तरफ वापसी। नैनीताल में मेरे कैंटीन का काम भी हो गया, मैया के दर्शन भी हो गए, तो सारे काम निपट गए, और अब तो गाइस गर्म हो रहा है यहाँ पर, बस एक काम रह गया जो मेरी भूख है वो भी मिटानी है हल्की सी। और गाइस, सबसे बढ़िया बात, आज शाम 4 बजे मैं मिलने वाला हूँ एक बहुत खास पर्सन से अपनी लाइफ के, मतलब वो जो व्यक्ति हैं मेरी लाइफ के पहले मेंटोर हैं, मेरे पहले गुरु जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे लाइफ के काफ़ी सारे अप एंड डाउन में मेरे साथ में रहे, मेरी खुशी में मेरे साथ में रहे, मेरे गम में मेरे साथ में रहे, तो ये सबसे अच्छी बात है उनके अंदर। तो अब जो है मैं व्लॉग नहीं बनाने वाला, तो अब जो है सीधे मिलेंगे आपसे हल्द्वानी में और वहीं आपसे गपशप मारेंगे, बातचीत करेंगे। तो फाइनली पहुंच गया घर की कॉलोनी में, चलिए गाइस घर पहुंच गया, स्कूटी को अंदर ही लगाते हैं क्योंकि बाहर धूप बहुत हो रही है। सो चलिए गाइस, फाइनली पहुंच गया घर बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। और गाइस, बहुत मजा आया आज के टूर में नैनीताल जाकर के, वहाँ की ठंडाई खा करके वापस भी आ गया मैं। तो गाइस फाइनली, अभी मैंने आपको बताया कि आज मेरे पास एक फोन आया मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई का, तो शाम को उनसे मिलने जाना है। तो गाइस पहले मैं चेंज करता हूँ, फिर खाना वाना खाने जा रहा हूँ, शाम को बात करेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए गाइस, तो फाइनली मैं हो गया हूँ बिल्कुल तैयार, एकदम बन ठन के, आप लोग सभी जगह कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओके हनी, बाय बाय। सो चलिए गाइस, फाइनली निकलते हैं। सो गाइस, वीडियो के थंबनेल से तो आप समझ ही गए कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। सो गाइस, बहुत साल के बाद, लगभग 10 से 15 साल के बाद आज मिलने जा रहा हूँ सर से। सुनने के लिए पता गाइस, वही वाला माइक ज़्यादा मुझे सही लग रहा है जो तार वाला होता है। इसमें क्या है कि आवाज़ तो मेरी साफ आ रही है, लेकिन थोड़ी सी भड़बड़ भड़बड़ सी हो जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। फाइनली पहुँच गया वाई डी निर्देशाला। चलिए जी, वाओ सर 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 सर, कैसे सर? सर बढ़िया, आपने सुना? बहुत बढ़िया सर, मस्त एकदम। हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। कहाँ पे? तो बहुत सालों बाद फाइनली सर से मिलना हो गया आज, बहुत सालों बाद। लगभग 7 साल बाद सर, आई थिंक 7 साल। ज़्यादा सर? ज़्यादा हो गया सर। मैरिज आया था मेरे घर से, तो मैरिज 7 साल हो गई क्या? बेटी हो गई 7 साल की। हाँ, फिर तो हो सकता है जी। कौन? कैसा आना हुआ? सर मैं योगेश्वर जी से मिला हूँ। योगेश्वर सर, आइए अंदर आइए, जो तो तारी बोले फिर आइए। मुझे पहचाना नहीं? नहीं सर, मैंने पहचान लिया सर आपको। नहीं, दूसरी बार पहचान पाऊंगा। अरे आप वो तो नहीं जो मुझे उस दिन वो अरे अरे हाँ अभी तो मिले। अरे सो भाई 7:30 हो गए। सो गाइस फाइनली अब जा करके मैं फ्री हुआ हूँ सर के इंस्टीट्यूट से 7:30 बजे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन गाइस सर बताऊँ इतना मज़ा आया, इतनी पुरानी पुरानी याद ताज़ी होगी। सो चलिए गाइस फाइनली फटाफट चलते हैं घर की तरफ, और कुछ सामान मांगा है मम्मी जी ने, वो भी लेकर के चलते हैं। चलिए गाइस फाइनली पहुंच गया घर, लगाते हैं स्कूटी अंदर, बंद करो। हाँ सर, जल्दी आओ जल्दी आओ, ब्लॉग बनाना है। हाँ जी, चले गए तो फाइनली पहुंच गया घर बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। और गाइस आज मेरे को बनाना है डिनर, और अगर मेरे को डिनर बनाना है तो समझ लीजिए कुछ स्पेशल बनाना होगा। तो गाइस आज 7 साल के बाद लगभग सर से मिलना हुआ, तो बहुत मज़ा आया सर से बातचीत करके। तो आपने पूरा मेरा वीडियो देख ही लिया, बहुत मस्ती करी मैं, बहुत कॉमेडी करी। एक वीडियो और आने वाली है इस व्लॉग के एंड के बाद, मैं उम्मीद करूँगा ये जो मेरा पूरा व्लॉग था गाइस आप सब लोग उसको पसंद करेंगे। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली ये है सर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट। वो माइक दुकान कैमरा कहाँ रखा है, लेकिन आवाज़ काफ़ी दूर है, लेकिन देखते हैं अभी इसका क्या है। अभी अभिषेक भाई ने हमें बताया है कि इस माइक का बहुत अच्छा यूज़ होता है, और काफ़ी दूर तक हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 60 फीट तक। वाओ 60 फीट तक अभिषेक, अभी हम आपका ये माइक देखते हैं 60 फीट के अंदर। अभी हम थोड़ा सा क्लोज करें क्योंकि इतने आप ज़्यादा दूर तक खड़े नहीं सकते, लेकिन अभी देखते हैं क्या है। पहले मैं बहुत पतला था, लेकिन अचानक से मेरे को सर में और मैं मोटा हो गया।